बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद राशिद और आप देख रहे हैं राशिद अपडेट्स। गवर्नमेंट एम्प्लाईज पर हुकूमत की जानिब से मज़ीद सख्तियाँ। सरकारी मुलाजमीन को अब एहतियात से काम लेना होगा। आमद इलेक्शन के सिलसिला में सरकारी मुलाजमीन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। कोई भी सरकारी मुलाजमीन किसी भी सियासी एक्टिविटी में मुलव्वस पाया गया तो उसको डायरेक्ट जो है वो मुलाजमत से रिमूव किया जाएगा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतल्लिक हदायत जारी कर दी गई हैं। निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने सूबा भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन पर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर सियासी मसले की गुफ्तगू करने और नज़रिया पाकिस्तान पर बहस मुबासा और तजिया करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी हदायत में कहा गया है कि कोई भी सरकारी मुलाजम किसी भी मीडिया प्लेटफार्म में हुकूमत की वादे इजाज़त के अलावा शिरकत नहीं कर सकता। हदायत में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन के रूल्स पाकिस्तान के नज़रिए और सलामती के खिलाफ इदारी ख्याल करने से रोकते हैं। हदायत में कहा गया है कि कायदा नंबर 25 के मुताबिक कोई भी सरकारी मुलाजम ऐसा बयान नहीं दे जिससे वफाक और सूबाई हुकूमत मुतासर हों। कायदा 21 के मुताबिक कोई भी मुलाजम हुकूमत की इजाज़त के बगैर बराह रास्त या बिलवासा तौर पर सरकारी मालूमात का तबादला नहीं कर सकता। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए राशिद अपडेट्स।